डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को प्रमेय 6.5 बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण, कोई भी त्रिभुज है मान लीजिए, ए बी सी और डी ई एफ, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, मतलब ये वाला कोण मान लिया जाए ये वाले कोण के बराबर है। ठीक है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, मतलब कि ये जो कोण बना है इसकी जो भुजाएं हैं ए बी है और ए सी है, इसमें क्या है डी ई है और डी एफ है, वो समानुपाती हो। समानुपाती मतलब यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दो कंडीशन है, एक तो ये कोण बराबर है और इनकी भुजाएं जो है समानुपाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, बहुत ही इजी है और आपको स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आपका नंबर कभी नहीं कटे। अगर आप बीच में भूल भी जाते हो तो स्टेप, अगर तीन भी स्टेप लिखते हो, एक तो दिया है, एक क्या सिद्ध करना है और दूसरा क्या, तीसरा क्या रचना, तो ये आप इसको डेढ़ नंबर कम से कम आप मान लीजिए कि इतना मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो छोड़ना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ये दिया हुआ। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, इसके लिए ठीक है क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा सेम पहले जैसा कि डी पी और डी क्यू ए बी के और ए सी के बराबर खींच लेते हैं। ए बी बराबर ए पी एवं ए सी बराबर डी क्यू खींचा एवं, या और लिखिए पी को क्यू से मिलाया, इतना तो लिख सकते हैं। ये तीन स्टेप में आपको इजीली एक डेढ़ नंबर मिल जाएगा अगर पांच नंबर का ये है तो। ठीक है, तो इसको कभी नहीं छोड़ना है। अब क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना, तो इसके लिए प्रमाण लिखेंगे, ये है प्रमाण। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल देखते हैं, ए बी सी और डी पी क्यू में क्या है, ए बी बराबर है डी पी के, ए सी बराबर है डी क्यू के और एक बराबर है एंगल एंगल डी के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सर्वांग समता एस ए एस सर्वांग समता नाइन्थ में पढ़ा होना, साइड बराबर हो एक त्रिभुज का और एंगल बराबर हो और साइड बराबर हो, तो ये दोनों मतलब क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। यहां लिखते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एवं ट्रायंगल डी पी क्यू में, ए बी इज इक्वल टू डी पी एवं ए सी इज इक्वल टू
डी क्यू, कहाँ से? रचना से। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, इसलिए एस ए एस सर्वांग समता से ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल डी पी क्यू के। ठीक है, अगर सर्वांगसम है तो यहाँ से हम लोग एंगल, अच्छा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी के और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, ये आप इक्वेशन वन मान के रखिए ताकि आपको याद रहेगा आगे, क्योंकि हमें क्या करना है, तीनों एंगल बराबर करना है। अगर तीनों एंगल बराबर हो गया तो एंगल की प्रॉपर्टी से अगर किसी भी त्रिभुज का तीनों एंगल बराबर है तो वो सिमिलर त्रिभुज होगा। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज डी पी क्यू एवं त्रिभुज डी ई एफ में क्या सब दिया हुआ हमारा, डी पी बाय डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ। अब यहाँ बोलिएगा डी पी तो दिया हुआ नहीं, डी पी बाई डी ई नहीं दिया हुआ, लेकिन क्या दिया हुआ है, डी पी बराबर क्या है ए बी के एवं डी क्यू बराबर है ए सी के, और दिया हुआ क्या है हमारा ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, सिर्फ ए बी के जगह पे क्या लिख दिए हैं डी पी और ए सी के जगह पे क्या लिख दिया डी क्यू, इसलिए प्रमेय 6.2 से। और आपको क्या बताया था मैं कि देखिए डी पी बाय पी ई लिखिए या डी पी बाय डी ई लिखिए, दोनों बराबर हो जाता है, मतलब दोनों कंडीशन में। देखिए यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है, या आप डी पी बाय पी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू एफ लिखिए या डी पी बाय डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ लिखिए, दोनों बराबर है। क्यों, इक्वेशन ना अगर आप इसमें एक जोड़ उल्टा करके एक जोड़ दीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है, तो इसलिए परमेय 6.2 डायरेक्ट लगा देंगे। परमेय 6.2 क्या बोलता है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाओं को बांटने वाली एक जो मतलब कि रेखाखंड है या रेखा है, अगर उसको एक ही अनुपात में बांटती है दोनों भुजा को तो तीसरे के पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, परमेय 6.2 से पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अगर ये 6.1 6.2 आप नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डाल रखा है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के, इसलिए एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एवं एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है, इसको दो मान लीजिए। अब यहाँ देखिए, आप पी बी के बराबर है, पी ई के बराबर है, सी क्यू के बराबर है और क्यू एफ के बराबर, तो इसका मतलब बी ई के बराबर हो गया। समीकरण एक एवं इतना जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए दो से, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एवं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, और पहले से दिया हुआ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और यहाँ लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, क्या दिया है, और इसलिए क्या हो गया,
ये दोनों त्रिभुज जो है ए बी सी सिमिलर हो गया त्रिभुज डी ई एफ का। कैसे? ए ए ए ट्रिपल ए बोलिए या डबल ए बोलिए, डबल ए समरूपता जो नियम है उससे। इससे पहले जो दो थ्योरम पढ़े हैं हम लोगों ने 6.3 और 6.4, उसमें यही है। अगर तीन मतलब कि त्रिभुज की तीनों कोण जो बराबर हो जाती हैं, ठीक है, तो वो सिमिलर हो ही जाएगी। लेकिन उसकी भुजाएं भी सिमिलर मतलब कि एक ही अनुपात में होती है। लेकिन अगर आप सीधे सीधे बोलना चाहो तो तीनों एंगल अगर बराबर है तो वो त्रिभुज जो है सिमिलर हो जाएगी। इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सके। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं वीडियो से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन डालता हूँ और उसमें मैं कभी कभी पीडीएफ भी डालता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं या जेपीजी फाइल में डाल देता हूँ ताकि किसी भी लड़के को अगर किसी भी बच्चे को अगर टाइम बचाना है तो वहाँ से आप जा कर के नोट्स बना सकते हो। अगर आप कमेंट में लिखोगे कि मुझे नोट्स भी चाहिए तो मैं पीडीएफ में डाल दूँगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़िए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।